मैं लक्ष्मी पांचाल एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ बड़ी ताजा खबरों को लेकर। चलिए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की ताजा बड़ी खबरों की ओर। यूपी के हापुड़ में साइबर सेल व नगर पुलिस ने किया 4 ठगी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार। लोन देने के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। टाटा कैपिटल मुद्रा योजना के अंतर्गत सस्ते ब्याज दरों पर लोन देने के नाम पर करते थे ठगी, जिनके कब्जे से 17 मोबाइल फोन, विभिन्न बैंकों के 32 एटीएम कार्ड, 2 लैपटॉप, 8700 रुपए, 10 चेकबुक, 8 पासबुक व रसीद इत्यादि बरामद किए गए। संवाददाता आलम चाइगर, देखिए हमारे साइबर सेल के पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें वादी ने ये बताया था कि उनके साथ लोन लेने के नाम पे फ्रॉड किया गया है। उनको बताया गया था कि आपको सस्ते दर पे टाटा कैपिटल का मुद्रा लोन मुहैया करा दिया जाएगा, उसके एवज में उनसे 18,000 रुपये हड़पे गए थे। और जब लोन नहीं मिला उनको और उन्होंने बार बार जिस नंबर पे कॉल करके लोन मांगा था उन्होंने जवाब देना उनका बंद कर दिया, तो उनको लगा कुछ संदिग्ध है प्रकरण, और उस प्रकरण को लेकर के उन्होंने थाना कोतवाली नगर में एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने लगातार प्रयास जारी रखा। इसी के क्रम में एक बहुत बड़ा गैंग इसमें वर्कआउट किया है हमारी साइबर सेल हापुड़ की टीम में, जिसमें 3-4 लोग हैं जिसमें एक महिला भी शामिल है। इन सबको अरेस्ट किया गया है दिल्ली से और इनके पास से लगभग 17 मोबाइल, 32 एटीएम कार्ड, 2 लैपटॉप, कुछ पैसे, चेकबुक, पासबुक, भारी मात्रा में ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इनसे पूछताछ की गई तो पता चला है कि ये जो धारणा शर्मा नाम की एक महिला है जो इनके साथ रहती है वो कॉलर की भूमिका में रहती है, और सबको कॉल करके सस्ते दाम पे लोन मुहैया कराना या फिर जॉब को लेकर के पैसे हड़पने का काम करती हैं। ये लोग अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में जाके बड़े बड़े पोस्टर चस्पा करते हैं जिसपे ये लोन देने के नाम पे अपना मोबाइल नंबर लिख के देते हैं या फिर जॉब लगवाने के नाम पे अपना मोबाइल नंबर नीचे लिख करके देते हैं, और लोग इनको कॉल करते हैं, इनसे लोन या फिर जॉब के लिए अप्लाई करवाते हैं। ये धारणा जो लेडी है वो कॉलर बन के बात करती है, वो कहती है कि आप अपना रेज्यूमे भेज दीजिए, अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिए, हम अपने मैनेजर से बात करके इसको वेरीफाई करेंगे। इसी में एक लड़का है आसिफ नाम का, वो मैनेजर बन जाता है और वो कहता है हाँ आपकी एप्लीकेशन ठीक है, हम आपको नौकरी पे रख सकते हैं, और उनको एक नकली अपॉइंटमेंट लेटर, अलग अलग तरीकों के अपॉइंटमेंट लेटर वो उनको दे देते हैं। लेकिन जब वो उस कंपनी में संपर्क करते हैं तो उनको पता चलता है कि इस नाम की कोई भी जॉब ना उन कंपनी ने एडवर्टाइज करी थी ना उनको कंपनी ने रखा है, और इस तरीके से लगभग इन्होंने 25 लाख रुपए अब तक जो टोटल फ्रॉड इनके अमाउंट में आ रहा है इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स में वो लगभग 25 लाख रुपए का है, और एनसीआरपी पोर्टल पे चेक करने पे लगभग 45-50 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो इनके खिलाफ यहाँ पे लिखी हुई हैं। हमारे साइबर सेल की टीम ने इनके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके गैंग के बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है, और भी जो व्यक्ति इसमें प्रकाश में आते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।